इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी है। मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस इतने चलांगे, मेन पढ़ांगे मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी। ग्रेजुएशन च इन्होंने पढ़िया है मैथ्स, फिजिक्स है ना, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर। ओके, हुण हो गया कि इन्होंने एक एक जनरल इंग्लिश पंजाबी पढ़ी है उसनों हजे भुल जाओ। जे एलिजिबिलिटी बनानी है गवर्नमेंट जॉब ली, इन्होंने तिना ते फोकस करना है। नंबर एक। दूसरा एक के तुसी तुहाडा एम ए मास्टर पी जी किहदे च करना चाहुंदे हो, इत्थे पॉइंट लिखिया भी है पी जी किहदे च करना चाहुंदे हो, वह आंसर देना है, वह तुहाडे कोल है। जे मान लो मैथ्स विच करना चाहते हो, फिजिक्स कंप्यूटर च मैनू नहीं पता, जे मैथ नू ना छड्डो तुसी हर हालत विच। मैथ इज़ इंपॉर्टेंट, पर मैनू इंपॉर्टेंस नहीं देनी अपनी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो मैथ विच है ज़्यादा, तो इनू जरूर इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि जॉब की सिलैक्शन वेले सिर्फ सिलैक्शन टैसट जोड़ा हों, फिर उस सबजैक्ट की नॉलेज के बेस पर हों, कंपीट करके बाकी बी एड चो भी भावें घट स्कोर ले, कोई स्कोर बाकी नहीं देखे जाते, टैट के गिने जा सकते हैं और सिलैक्शन टैसट के, होर लगभग कोई नहीं गिने जाते। दैट इज़ वाई नॉलेज जिस ज़्यादा है, इंट्रस्ट जिस ज़्यादा है, ग्रैजुएशन जो जिस ज़्यादा स्कोर से उस प्राइमरी चुनो। मैं सुजैसट करता हाँ वैल्यूएबल जोड़ा है मैथ्स है इसको ना छोड़ो, क्यों, क्योंकि तीन साल तुम पढ़िया हुआ है, इलैक्टिव एज है, टी जी टी ली एलीजिबल हो, जिदियाँ पोस्टा ज़्यादा निकलदिया हैं, ये गल हो गई। दूसरा फिजिक्स, फिजिक्स के बेस पर तुम फिजिकल एजु फिजिकल साइंस लै सकते हो। जे फिजिकल साइंस लेंदे हो तो हर हालत विच तुहानू पोस्ट ग्रैजुएशन फिजिकल साइंस विच, फिजिक्स विच जां कैमिस्ट्री विच, जिहड़ियां उह पिछे साइंस वक्खरियां गवर्नमेंट जॉब ने दित्तियां होईयां जां उह वक्खरी लिस्ट है देख लेना, वह तुहानू एक करनी पैनी है तो तुम इहदे लई एलीजिबल बन रहे हो। किहदे लई? पी जी टी लई, पी जी टी लई। जे तुसी ये करनी है तो फिजिकल साइंस लो, इस दियां पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट घट होंदियां, क्योंकि पी जी टी है 11वीं 12वीं नूं पढ़ाउण लई टीचर बनना है। हुण मैथ दे नाल फिजिकल एजु साइंस लैंदे हो तो ये जी एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि मैथ दे नाल साइंस लै सकते हैं, जां मैं जे मैं फिजिक्स पढ़ी हुई है जां कैमिस्ट्री एक पढ़िया होया है। देखो जे तुसी, मैं उत्थे क्वेश्चन पूछा सी कि तुहाडी यूनीवर्सिटी किहड़ी है, जे तुसी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला च हो, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला च, ये मैं कॉलेजों तो इनफॉर्मेशन कलैक्ट की है कि उन्होंने पिछले सालों में एक साइंस के नाल साइंस सबजैक्ट दिता होया है, तो पर ये नाल तुसी साइंस कर लिया ये कर सकते हो, लेकिन बाद विच जो तो गवर्नमेंट पोस्ट लिए जाना है उन्होंने कहना दो साइंसिस पढ़िया होनिया चाहिए हैं, तो वो फिजिक्स के नाल कमिस्ट्री का जा बायो का वो अडिशनल पेपर नहीं हुंदा। उसका इलाज ये है कि जो साइंस ले ली है फिर तुहानू फिजिक्स के नाल जी पोस्ट ग्रैजुएशन है दूसरी साइंस की तुहाडे को होएगी, तो एलिजिबिलिटी तुहाडी बनती है, पर इदां पॉसीबल है शायद ज़्यादा तुहानू पता होएगा, मैनू घट पता होएगा। दैट इज़ वाई तुसी सीधा एलिजिबल मैथ ते फिजिकल साइंस लिए बनते हैं, किसी होर चप च नहीं पैंदे। जे तुहाडा इंट्रस्ट इहदे विच घट है फिर तुहाडे लई मैथ ते कंप्यूटर साइंस बचता है। कंप्यूटर साइंस करन लई तुहानू तीन सालों का तुसी पढ़िया होया बिल्कुल ठीक है, इलैक्टिव है ठीक है, टी जी टी लिए एलीजिबल बनते हो, ये कोई होर तुहानू पंगा लैन की एडिशन देन की जरूरत नहीं है। हुण डिपेंड करता है तुहाडा इंट्रस्ट कादे च है, जे तुसी आसान सबजैक्ट होर वल जाना चाहते हो फिर तुसी पंजाबी या इंग्लिश जनरल दे बेस ते बी एड विच कर सकते हो बाद विच, लेकिन जे पंजाबी लेंदे हो एडिशनल तीन साल का तुहानू इको छे महीनिया सत्त महीनिया हो जाता है, वो पेपर देना पएगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो तो तुसी वो नाल नाल ही दे सकते हो, जे बी एड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो कर रहे हो ना एडिशनल पेपर बी ए का, फिर नाल नाल ही दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुहाडा फोकस साइंस सब्जेक्ट पर ज़्यादा होएगा, जनरल तो नहीं जाओगे। सो इन्हां चों तुहानू चुनना चाहिए है, तुहाडा बनदा है बेस्ट कॉम्बीनेशन मैथ फिजिकल साइंस, मैथ कंप्यूटर और मैथ साइंस। जे तुहाडी यूनिवर्सिटी पंजाब या पटियाला, पटियाला तो अलाउ करती है तो फिर तुसी लै सकते हो, पर उस तो बाद तुसी साइंस लई एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब लई बनते हो नहीं बनते क्वेश्चन मार्क है औखा है, उसके लिए तुहानू एडिशनल पेपर कोई करवाता है नहीं करवाता है मेरे कोई हजे जानकारी नहीं है। हाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने कहा है कि प्रैक्टिकल किसी का भी एडिशनल नहीं करवाया जाता। सो इत्थे तक की जानकारी है, थैंक यू, डिले लई माफ़ी मंगता हाँ, बिजी ज़्यादा है, थैंक यू।